हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैरी गोस्वामी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से एक शिकायत है, आप लोग जब भी वीडियो को देखते हो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और इतना मतलब ही नहीं बनना है हमें लाइफ में, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर करने की, तुम भी यहाँ से पढ़ लो, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, एक बच्चा नहीं शेयर कर रहा है। इतना सेल्फिशनेस लाइफ में सच में बहुत बुरी बात होती है। वी आर डॉक्टर्स एंड एज अ डॉक्टर वी शुड नॉट बी दिस मच सेल्फिश। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरा चैनल है तो मुझे कुछ चाहिए। हाँ, मुझे ऑब्वियसली चाहिए, नो डाउट। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके बाकी क्लासमेट्स हैं, एटलीस्ट उन्हें आप बताइए कि यहाँ पर ये मटेरियल मिल रहा है तो आप यहाँ जा कर के देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही चल रहा है कि मैं मेरा मुझे मिल गया तो मैं मेरा पढ़ लूँ, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। ओके, 6 लेक्चर्स हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 7th, आर रेमेडीज एंड बाय द एक्ट, पेज नंबर 65। इसमें लिखना है मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर। जो एफोरिज्म नंबर किस में दिया गया है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर का एफोरिज्म नंबर क्या है। देखो, सबसे पहले तो हैनीमन सर ने हमें यही कह दिया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि क्योर कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिमिलर रेमेडी देना है और छोड़ देना है। होम्योपैथी फंडामेंटल लॉस पर बेस्ड है, नेचुरल लॉस पर बेस्ड है, ठीक है। इन स्टेट ऑफ हेल्थ टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियली कंडीशंस साइमल्टेनिंग डिसीजेस टू रिस्टोर डिसीज स्टेट टू द नॉर्मल बैलेंस ऑफ हेल्थ, ये होम्योपैथी का काम होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या काम है। फिर इसमें आप लोगों को मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर पूरा समझाने के बाद में ये बताना है, एक्शन ऑफ आर रेमेडीज, इट इज़ वेल टू लुक समवॉट टू द सोर्सेज फ्रॉम विच आर रेमेडीज आर डिराइव। हमारे रेमेडी का कैसा एक्शन होता है उसे जानने के लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी जो मेडिसिन है वो कौन कौन से सोर्सेज से ली जा रही है। हमारी जो मेडिसिन है वो डिफरेंट सोर्सेज से होती है, जैसे एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल और बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे लिविंग, नॉन लिविंग। तो इन सारी चीज़ों पर हमारी जो मेडिसिन का एक्शन होता है वो बेस करता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी है, सिर्फ इसमें मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर बताना है, सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक क्योर बताना है और उनका एक्शन बताना है। दैट्स इट, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि मोडस ऑपरेंडी मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि वो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम लोग उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपका ऑर्गेनॉन का भी काम हो जाएगा और फिलोसॉफी का भी काम हो जाएगा। एक ही टास्क में फर्स्ट वॉल्यूम में ही बहुत सिंपल फॉर्म में दे रखा है, एक चार्ट बना हुआ है मोडस ऑपरेंडी का, सिर्फ और सिर्फ वो करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आया व्हाई द मेडिसिंस एक्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट, तो आपको लिखना है मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर। बी अलर्ट कि आप ये शब्द यूज़ ना करें कि मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर, उसके बारे में सब कुछ लिखना है, बस वो शब्द ही नहीं लिखना है। यही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिलोसॉफी, चीज़ें वही हैं, कंसेप्ट वही है, बस नाम बदल गए, तो हमें भी नाम बदल करके चीज़ों को वही दर्शाना है, वही बताना है। तो बस इतना सा इसमें लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। अब आई होप कि आप लोगों को लेक्चर 7 में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।